अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदकल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सारे बंदे दरूद पढ़ो जी। गला थोड़ा जा में तकलीफ है, ठीक हो जाएगा। मतलब इजी आवाज़ निकलती रहे, कोशिश करनी मेरी जान। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना वरा उल वरा है, जिदा जिदा ईमान नबी दा घराना आला ए अरफा ए। आला ते अरफा समझण वाला बंदा मेरे नाल मिल के कसीदा पढ़ेगा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है, जिसमें हसनैन हैं सैयदा हैं। बोलो जिसमें हसनैन हैं सैयदा हैं, जिस घराने में मुश्किल कुशा है। बोलो ना जिसमें हसनैन हैं सैयदा हैं। कोई नहीं धी मुहम्मद दी धी वर्गी बेशक फातिमा किसे दा ना होवे। जम्मी पड़ी जेड़ी नूरी परदियां विच अते सिर ते नबूवत दी छां होवे। सदब मुश्किल कुशा दी होवे बीवी अते हसन हुसैन दी मां होवे। जिसमें हसनैन अच्छा ना मेरे नाल बोलो, जिसमें हसनैन सैयदा हैं। जिस घराने में मुश्किल कुशा है जेड़े मौला अली दे नौकर बैठे हुए ने, हसनैन करीमैन ते जेड़े गुलाम बैठे हुए ने मेरे नाल मिल के पढ़नगे। जिसमें हसे नैन हैं सैयदा हैं। शबीर और शब्बर दी अम्मी जारा नबी दे घर विच है जम्मी जारा है। मकाम ओ देलू कौन समझे फरिश्ते इन जी दे कम्मी जारा। रात सजदे करन दी खातर कदी नहीं सज के शम्मी जारा। आ तेरे फाके ते भुख दा सदका है मैं खाना शामी ते तम्मी जारा। परदे थिया दे कजनाली जनाबे सैनबी दी अम्मी जारा। जिसमें हसेन सैयदा हैं। ली खमसतुल उत्फी बिहार अलवबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। जिसमें हसीन हैं सैयदा हैं। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात मोहम्मद अली फातिमा हसन और हुसैन। जिसमें हसनैन मुहर्रमुल हराम दिया मदे हर गैरत मदे बल्ला। पंज तल दे घराने दा ममनून है अपनी मेरी हाजरी लवादिया होया पाका दी बारगाह दे विच नजराना अकीदत पेश करन दी खातर अपनिया जुबाना खोलो ए नबी दे गुलामों। तुसा अज कसीदा पढ़ना है अशर दे होना है। हो सकदा है तू ते मैं खड़ी जाविए नेकियां घट जावें बदियां वध जावें। हुसैन दे नाले दे सामने तैनू मैनू पेश किया जावे। फरिश्ते आखना का जी थोड़े गुलाम दियां नेकियां थोड़ियां ने बदियां ज्यादा ने। ए जन्नत दा मुस्तहिक नहीं सानू इजाजत देवो इनू जहन्नम च ले जाविए। मेरे गरीब नवाज आका गमखार नबी अपने गुलाम अल वेखना है। गुलाम अखां नाल तरला मारना है। अर्ज करनी है सोनिया मनना वा गुनेगारा बदकारा पर तेरी आल दा नौकर साए तेरे नौकरां दा नौकर आवां। तेरे हुसैन दे कसीदे पढ़दा रहा अज नेकियां घट गईयां ने पर तेरी रहमत ते घटी कोई नहीं। मेरा ईमान नबिया दे सुल्तान दी रहमत जोश चाहनी है। मेरे पाक नबी ने फरमाने फरिश्तियाँ हो मेरा गुलाम डर गया है मेरा गुलाम सहम गया है। की होया जे नेकियां थोड़ियां ने आ वेखो मेरे कोल पर्ची है। ये पर्ची नेकियां दे पलड़े च रखो तोल के दसो नेकियां थोड़ियां ने या ज्यादा हो गईयां ने। नबी दे गुलामो फरिश्तियां ने नबी सरकार दी दिती हुई पर्ची जदों नेकियां दे पलड़े च रखनी है और नेकियां वध जानियां ने बदियां मुक जानियां ने। फरिश्तियां हजूर दी बारगाह जाके इल्तजा करके अर्ज करनी है सोना ये केड़ी नेकी है जेड़ी बदियां नू खा गई है नेकियां वधा गई है। मेरा ईमान है मेरा यकीन है। हजूर फरमाना है सैयद नगरी दे विच सैयदा दे उरस ते इस मेरे गुलाम मेरी अहले बैत दे एक कमीने जे गुलाम दे आखे मेरे पुत्रा दा जिकर जोम के कीता ए नेकी ओदो दी मैं साम के रखिए इनू अल्लाह ने अली दे घराने दा सदका बरी कर छड़िया है। जे चाहना है तेरी मेरी बख्शिश बन जावे हजूर सानू शर्मिंदा ना कर हजूर दे सामने असी शर्मिंदा ना होइए ते हट धर्म ना बन अपने आप नू तेरे मुस्तफा दा आल रसूल दा गुलाम बना के हजूर दी आल दा जिक्र कर इंज कर अपनी चुदराट साइड ते रख के अपनी इज्जतां हटा के तेरे पंज तन दा ओए कम्मी बन के बतूल दे पुत्रा दा कसीदा पढ़ ले ए घराना लजपाला दा लजपाल कोई भी बंदा खामोश ना रहे मिलके पड़े जिसमें हसीने हैं सैयदा हैं बोलो जिसमें हसीने हैं सैयदा हैं जिस घराने में मुश्किल कुशा है मैनू हैरत हुंदी है बंदे बमाना वेंदे ले जिसमें हसीने हैं सैयदा हैं जिस घराने में मुश्किल कुशा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल्वरा है जिसमें हसीने सैयदा है जिस घराने में मुश्किल कुशा है जमाने सारे ते टुर के डिठे दाता कौने मवाली कौने कौने रफजी कौने खारजी पंज तल दे दर्दा सवाली कौने मैं दूर ही वे के सजान लेना हरामी कौने हलाली कौने जिसमें हसीने सैयदा है जिस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद बेहद व बेपनाह दरूद नबी करीम रऊफ और रहीम दी जात बबरकात भेजने तो बाद नहायती वाजिबुल एहतराम आले नबी औलाद अली साहबजादा पीर सईद उनायत हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया और मेरा बेटा तसव्वुर अब्बास बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया दूर नज़दीक तू ममाना ने ग्रामी ममाना ने खसूसी तशरीफ़ फरमा ज़ायरीन अकीदतमंद मुरीदीन तुसी तशरीफ़ फरमा अजदाए सालाना उर्स मुबारक पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़कीर इब्न फ़कीर साहबजादा पीर सईद चंद पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह ताला दा उरस मुबारक दी तकरीब जिन्हें तुसी ते असी शामिल दुआ है मालक इन्हां साहबजादगान दा इस जिक्र दी महफल कराना अपनी बारगाह कबूल फरमाए ते असा सारियां दे नेक अमाल च मालक अजाफा फरमाए सारे आखो या आमीन। मेरे दिल नूं बड़ी खुशी इस गल दी कि सैयद इनायत हुसैन शाह साहब ने अपने वालदे गिरामी दे इंतकाल तो बाद अपने सिलसिला तरीकत नू बड़ी ही ईमानदारी आजी नाल और बड़ी लगन नाल चलाया होया। जितने ज़ायरीन तशरीफ़ फरमाओ इस दरबार आलिया दे नाल तुसी रिलेटेड हो, अकीदत रखते हो। मालक तुहाडा आना इन्हां वलियां दा सदका मालक अपनी बारगाह कबूल फरमा के तमाम दे जायज़ दिली हजात मालक अपने बारगाह च कबूल फरमाए। सारे आखो मां। लंबा नहीं पढ़ना, मेहमाना दी आमद मुकम्मल, ज़्यादा देर मेहमाना नहीं बिठाना। मेरे जिम्मे जी ड्यूटी वो जिक्र आले रसूल के हवाले ना शाह साहब ने लगाई। अनैत सन मेरा बेटा है, मैनू बड़ा प्यारा है। अल्लाह सोना इस दे बच्चों की उम्र दराज फरमाए। मालिक इन्हां भाइयों की मुहब्बतों नू आपस सलामत रखे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद फरमाया, तुहाडी तवज्जो मेरे अल है तो एक बार बोलो भला सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद फरमाया, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के ए रब फरमांदा है मेरे महबूब अपनी उम्मत नू इकट्ठा कर, अपने सहाबा नू, अपने मुरीदा नू, अपने अकीदतमंदा नू इकट्ठा करके ते मेरा हुक्म सुना। ये तेरे ते मेरे एहसान लाण दियां गल्लां करदे पए ने, जेड़ा तू इन्हां नू घुप हनेरियां चों सोहणिया कढिया है ते मेरी वहदानियत दी इन्हां नू पहचान करवाई है। उस ज़लात मनात तू हटाया है, बुत परस्ती और शिरक तू हटा के वहदानियत दी लैंड ते जड़ा तू चलाया है, एदा अजर वापस करना चाहते ने दुनियावी माहौल के मुताबिक, दुनियावी तरीके के मुताबिक। इन्होंने बुला तो इन्होंने इरशाद फरमा। छोटा जहा तर्जमा करना चाहना। मेरे पाक नबी ने अपने सहाबा की जमात पूरी नू दावत दी, बुलाया, खुतबा इरशाद फरमाया तो आपने फरमाया मेरे सहाबा मेरे एहसान लाण दी गल्लां करदे हो, मेरे एहसान लाण दे आपस मशवरे करदे हो कि नबी सोने ने सानू वहदानियत और अपनी नबूवत का इकरार करवाया तो असी एदा अजर देवीए। रब फरमा रहे हैं कि दुनिया का माल, पैसे, जेवर, चांदी, मालो मता, दुनिया का अनाज, दुनिया की कीमती चीज़ों नाल ये अजर नहीं हटना। साहबा ने अर्ज की सोने लजपाला केड़ी चीज़ रब मंगता है तो वह राजी हुंदा है। रब फरमांदा है, मेरे पाक नबी ने फरमाया, रब फरमांदा है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रब पे फरमांदा है कि अगर तुसी अजर देना चाहते हो तो मेरे नबी दे कुरबा नाल मवद्दत कर लवे है, मैं भी राजी हो जावांगा, जन्नत भी अता कर दे। जेड़े तुसी तशरीफ फरमाओ, हर लेवल दा बंदा, हर मकातबे फिकर दा बंदा बैठा है। कईयां जिहदे भी बंदे जिन्हां दे सिर दे उत्ते पूरे पूरे पिंड दी जिम्मेदारी दी पग्गन ते ज़मीन ते बैठे हो। ओदी वजह तुसी दुनिया दी अपनी इज्जत, अपनी जाओ हशमत नू सैड ते करके रसूल दी आल दे कदमां च बैठे हो, इस नीयत नाल कि इत्थे बवीए ते इल्लल मवद्दत फिल कुरबा दा जेड़ा अल्लाह ते रसूल ने मियार साडे कोल तलब कीता है इत्थे ओ पूरा होवेगा। हशर वाले दिन असी अर्ज करन जोगे होवांगे, सोहणिया भावें गुनहगार ही रहियां पर तेरी आल दे नौकर रहियां, तेरी आल दे कदमां च बांधे रहियां। सोहणिया अमाल भावें घट ने इल्लल मवद्दत दा असी दामन नहीं छड़िया। यही एक ऐसी इबादत है अगर इन देते इस म्यार ते बंदा पूरा आ जावे। अल्लाह फरमांदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह तू डरे ते सच्चियां दे नाल हो जावे। ते साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया सच्चे कौन ने? मेरे पाक नबी दी जुबान बोली जी बोले तो रब दा कुरान बनदा है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, नबी सच्चे, अहले बैत सच्चे, नबी दे सहाबा सच्चे, सालेहीन सच्चे, औलियाए कामलीन सच्चे। बोल सुभान अल्लाह। ये सच्चियां दा दार है। रब कुरान पे फरमांदा है ईमान आ जावी ते मेरे तो डरी, ईमान भी होवी मैं तो डरदा भी होवे ते बह ना रवी। मौला की करना है, वकूनू मसादिकीन। रब फरमांदा मुड़ सच्चियां दे नाल हो जावी। असी दुनियादार, गुनहगार, सियाकार, गल गल ते गुनाहगार होने वाले बंदे असी सच्चियां दे बूहे ते इस नीयत नाल आए हां बे इन्हां दा हुक्म अल्लाह दिता है ते हो सकदा है, बल्कि यकीनन अगर इन्हां दे सीरत ते इन्हां दे हुक्म ते अमल कीता ते अल्लाह भी राजी होवेगा, अल्लाह दा रसूल भी राजी हो जाएगा। आले नबी औलादे अली दे हवाले नाल दो तीन हदीसां ते एक दो शेर विच पढ़ांगा कसीदे दे, उस तो बाद मैं इजाज़त चाहांगा। सामीन मोहतरम, मस्जिद नबवी दा माहौल, नबियां दे सुल्तान मिंबर ते तशरीफ फरमा, जुमे दा दिन, जुमे दा खुतबा इरशाद फरमा रहे ने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सहाबा दा जम्मे गफीर, आमिना दे लाल दे चेहरे मुबारक आलू सहाबा वेख रहे ने ते समात कर रहे ने करीम आका दा खुतबा। मस्जिद नबवी दे सेन दे विच अचानक दो शहजादे तशरीफ फरमा होए, एक दा नाम हसन मुजतबा, एक दा नाम हुसैन इब्ने अली। दोवें शहजादे, दोवें नबी दे पुत्र, छोटियां उम्रां। मस्जिद नबवी तशरीफ लैके आए, दोवां ने एक दूजे दे हथ फड़े होए ने, नाना जी दी जियारत आस्ते, खुतबे आस्ते तशरीफ लैके आ रहे ने। नबियां दे सुल्तान दी निगाह करम उठी, अपने दोवां पुत्रां ते अपने बेटी दे बेटियां ते नज़र पई। हुसैन इब्ने अली दा पांव पैर जेड़ा गल तेन समझ आ जावे, जमीन ना टकराया, पीर हुसैन जमीन ते गिर गए। नबियां दे सुल्तान ने खुतबा बंद कर छड़िया, कुरान दी तिलावत रोक दी। मेरे पाक नबी जल्दी नाल मिंबर तो उतरे, साहबा ने जगह दी, दौड़ के जाके हसन नूं भी चा लिया, हुसैन इब्ने अली नूं भी चा लिया। कायनात दी अख ने इस तो पहलो एडा खूबसूरत मंजर नहीं डिठा। अल्लाह जिन्होंने इज्जत देता है, जिन्होंने अल्लाह उतले मकाम देता है, अल्लाह उन्होंने जरफ भी आला देता है, किरदार भी आला देता है, तां जाके अरूज अता करता है। आला लोग दौड़ते ना वेखसो, इन्नी जल्दी किसी नाल कौड़ते या बदतमीजी करते ना वेखसो। साहबा इकराम फरमाते ने, असी पूरी जिंदगी च नबियां दे सुल्तान नूं दौड़दियां उदों वेख्या जदों हुसैन जमीन ते गिरे। अल्लाह अकबर। मेरे पाक नबी दे गुलामों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोवां शहजादियां नूं उठाया, अलम नशरा दे सीने नाल लाया, मिंबर ते दोबारा तशरीफ फरमा होए। नबी दा सज्जा खब्बा नहीं हुंदा, लेकिन दोनों समझावण वास्ते जुमले दा सहारा लैंदा पिया। सज्जे पट ते जानू ते हसन नूं बहाया, खब्बे जानू ते जनाबे हुसैन नूं बहाया। खुतबा इरशाद फरमावण लगे नबियां दे सुल्तान ते एक सहाबी उठ के खड़े होए ते अर्ज कीती, फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिया मेरी माँ प्यो जनाब दे जोड़ियां तो कुर्बान हो जान, तुसां कुरान बंद कीता है, खुतबा छोड़िया है, अद्धा पढ़िया है, अद्धा जे रंदा है, दौड़ ला के तुसां हसनैन करीमैन नूं चाया है, सुनिया ए ते दसो इन्हां दा मकाम किन्ना है। बोल सुभान अल्लाह। हुण जदों सहाबा इकराम ने अर्ज कीती बे इन्हां दा मकाम दस्या जावे, हसनैन करीमैन नूं चुम के नबियां दे सुल्तान गोद च बहा के सहाबा अल तवज्जो फरमा के फरमांदे ने, अय्यो हन्नास, ए लोगो, तुसा पुछे हसनैन दा मकाम की है? जी आका, इत्थे हुण हसनैन दी शान च ओ जुबान बोली है जिहड़ी बोली है रब दा कुरान बनिया है। सामीन मोहतरम, अल्लाह तुहाडी मेरी हाज़री अपनी बारगाह कबूल फरमावे। मेरे पाक नबी ने फरमाया, लोगो, जिया का ए मेरे हसनैन 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 कोई आम नहीं, सोनिया इन्हां दा मकाम की है। मेरे पाक नबी दी ओ जुबान बोली है जिहड़ी बोले ते रब दा कुरान बनिया है। मेरे पाक नबी ने अपने हसन नाल, अपने हसन नाल वेखिया है। आ फरमांदे ने, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। अल्लाह अकबर। थोड़ी जी आवाज़ दी थ्रो खोलनी। आ हसन आ हुसैन ये कोई आम नहीं, ये जन्नत दे जवाना दे सरदार ने। बोल सुभान अल्लाह। किसे मौलवी, किसे जाकर, किसे मुहद्दस मुहक्कक, किसे नहीं ये जुमला बोलिया। ये बोलिया उस नबी बोलिया रब जी दे सदके कायनात बना छड़ी है। ते साडा नबी नबियां दा सुल्तान है। नबी उदों बोलता है जदों रब हुक्म देता है। मेरे पाक नबी ने अपनी अहले बैत दी अजमत का जुमला दिता है। आपने फरमाया, लोगो, ये हसन ते हुसैन कोई आम नहीं जिन्होंने मैं चावन वास्ते दौड़िया, ये जन्नत के जवाना दे सरदार बैठे हुए हैं। बोली सुभान अल्लाह। हुण गल आ गई जनाबे हुसैन इब्ने अली दी, पाक हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी गल आ गई। तो मेरे पाक नबी ने अपने पाई तन दे पंजवें फुल पुत्रा लो वेख के ते आपने फरमाया, लोगो मेरे पाक नबी ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे विचों है, मैं हुसैन दे विचों है। लोगों नू आपने फरमाया, लोगो मैं हुसैन दे विचों आं, हुसैन मेरे विचों ही है। साहब ने अर्ज की सोनी है दोतरे नानिया दे विचों हुंदे ने, कदी नाने दोतरिया चू नहीं होए। मेरे पाक नबी ने फरमाया साहबा मेरे रब ने आलमे गैब दे विचों मैनू इतला दिती है कि एक दिन आवेगा जदों मेरे कलमा पढ़ने वाले 61 हिजरी दे विच करबला दे विच मेरे दीन नू पमाल करन वाले इकट्ठे हो जाणगे, दीन दा सौदा करना चाहणगे। मेरा बच्चा हुसैन हर चीज नू ठुकरा के मेरे दीन नू बचा जावेगा। जदों पुत्र भांजे वीर औलाद मुरीद मेरे सहाबा इवन के अपनी गर्दन भी मेरे दीन ते मेरी शरीयत नू बचाण आस्ते हुसैन देवेगा तो उदों दुनिया आखेगी कि अज वाकई हुसैन दा नाना हुसैन दे विचों है। सामीन मोहतरम, शाह साहब ने तो हुक्म कीता ही कि तुसी करबला तो मदीने की रवानगी पढ़ो, चूँकि ये टॉपिक इतना लंबा है कि समेटियाँ भी घंटा कमो बेश जड़ा रवानगी तो लग जाता है। और अगू मुहर्रम उल हराम आ रहा है, उहदे हवाले नाल शाह साहब आंदे भी गुफ्तगू करे जी विच लाजमी। सामीन मोहतरम, एक दिन पाक हुसैन इब्ने अली यही जुमला बस मैं देवांगा, अपनी हाजिरी पूरी हो जाएगी। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम मस्जिद नबवी दे विच नमाज पढ़ा रहे ने। की पढ़ा रहे ने? जेड़े नमाज पढ़ते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ा रहे। नबी पाक सरकार दा मेन गेट, बाहर दा दरवाज़ा, घर दा मेन गेट और मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा मेन दरवाज़ा मस्जिद नबवी दे अंदर खुलदा सी। मेरे पाक नबी इमामत दे मुसल्ले उत्ते, सहाबा दी पिछे लैणा लगियां ने, सफा बनियां। मेरे पाक नबी जदों नमाज कायम की ना पढ़ाना शुरू की तो पीर हुसैन की उम्र है 3 तो 4 साल। किन्ने साल? 3 तो 4 साल की उम्र का पाक हुसैन अपने दरवाजे को खोलिया, परदे को पिछे हटाया तो वेख्या कि मस्जिद नबवी च नाना जान इमामत करा रहे हैं तो नाने दे मुरीद पिछे नमाज अदा पे करते हैं। मेरा पीर हुसैन झके नहीं, घबराए नहीं, रुके नहीं, आराम आराम ना टुरते आए ने। नाना जान दे नाल खड़े हो गया पीर हुसैन। जदों नाना जान रकू किया, रकू तो बाद सजदा किया। बड़ी मशहूर हदीस हर तकरीबन आशिके मदीना नूं याद है। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जदों सजदे की हालत होए ना तो मेरे पाक हुसैन इब्ने अली अपने नाने की कंड उत्ते पुश्त उत्ते सवार हो गए। हुण मेरे तवज्जो रखनी, जो तो पाक हुसैन नबियां दे सुल्तान नाने की पुश्त च नमाज की हालत सवार होए ने ते इमामुल अंबिया पढ़ रहे सन सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला। फौरी हुसैन जदों सवार होए ना उदों नबी का ख्याल वंडी गया, डिवाइड हो गया। रब दी बारगाह च कालिमात भी पढ़ रहे हैं तो दिल च भी ये हुसैन भी कंड उत्ते आ गया। इस सोच दे विच जदों 5 दफा सुभान रब्बी अल आला आख्या ना तो अल्लाह ने जबरील नू भेज दिता, जबरील जल्दी जा मेरे महबूब नू आख के नमाज भी मेरी, मस्जिद भी मेरी, सजदा भी मैनू, तस्बीह भी मेरी, तो तू नबियां दा सुल्तान भी मेरा, तो जेड़ा कंड उत्ते सवार है वह हुसैन भी मेरा। मेरे नबी नू हुक्म दे मेरा कि जिन्ना चर हुसैन अपनी मर्जी नाल ना उतरे तस्बीह लंबी कर दे। थोड़ी तवज्जो है कि टुर गए हो? तस्बीह लंबी कर दे। मेरे करीम आका ने एक हाथ इंज पिछा कढ़िया, इंज कंड दे उत्ते बैठे हुसैन नू पकड़िया ते उदू एक हाथ जमीन ते सुभान रब्बियल आला दी तस्बीह पढ़ींदी पई। तवज्जो यार मेरे अल रखी। कई साडे लोग साडे दोस्त जिन्हां दी फिका उन्हां नू इह दसदी है कि नमाज दी हालत च गैरुल्लाह दा ख्याल आवे तो नमाज बातल हो जाती, नमाज टुट जाती है। अल्लाह लू ख्याल हटे तो नमाज नहीं रही। इस तो वड्डा नमाजी कोई नहीं जड़ा नमाज पे पढ़ाता है। तो मस्जिदां तो आला मस्जिद तो नमाज दे पूरे रुकना चो आला रुकन है सजदा। तो मुड़ सजदे की हालत नबिया का सुल्तान उत्ते शहीदा का सुल्तान तो जुबान तो रब का फरमान ते पाक नबी दे ख्याल दे विच उदू अल्लाह दी तस्बीह है, उदू हुसैन है। दिल च ख्याल है कि हुसैन अजे भी उत्ते, उदू पढ़ रहे सुभान रब्बियल आला ते ख्याल आउंदा है अजे भी हुसैन उत्ते ही है। रब ने फरमाया जिन्ना चिर हुसैन उतरे ना उन्ना चिर तस्बीह लम्मी कर। तस्बीह 15 दफ़ा 25 दफ़ा 55 दफ़ा पढ़ींदी गई, सजदा लंबा हुंदा गया। जदों तस्बीह 71 दफ़ा पढ़ीती, कितनी दफ़ा? 71 दफ़ा 71 वारी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तस्बीह पढ़ ली है ना। तो मेरे पाक हुसैन जल्दी ना नाने दी पुश्त तो उतर गए तो सैड तो होके ना घर अल चलना शुरू हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे मुकम्मल किए, नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा चो जेड़े पिछलिए सफाएं सहाबी है उन्हें अगे आके पूछा हजूर खैर आई वही नाजल हो गई है, की वजह बनी नमाज का यह सजदा जरूरत तो ज्यादा लंबा होया, असी घबरा गए सा। तो मेरे पाक नबी ने फरमाया साहबा इंज की कोई गल नहीं, मेरी कंड ते मेरी बेटी का बेटा मेरा हुसैन मेरी कंड उत्ते पुश्त उत्ते सवार हो गया तो मेरा दिल ना ही मनिया भी मैं उन्होंने उतारा या मैं खड़ा हुआ तो गिर जाए, मैनू उहदा गिरना पसंद ना। तो मैं अल्लाह की तस्बीह अल्लाह के हुक्म नाल लंबी की है, 71 वारी तस्बीह पढ़ रहे हैं तो हुसैन उतर गए। लोगो मैं तुहानू दसदा पिया कि हुसैन की मवदत अल्लाह नू भी प्यारी है, रसूल नू भी प्यारी है। इत्थों अगे चलिए, नमाज मुकम्मल हुई, हुसैन अपने घर तशरीफ ले गए। अगे सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा शाकिरा जनाब सैयदा कायनात जनाब अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताला अब तशरीफ फरमा। हुसैन जल्दी नाल गए ने अपनी अम्मा जान दी गोद तशरीफ रखीए ते अपनी माँ दा हाथ चम के अर्ज करदे ने अम्मा फातिमा जी बोल मेरा हुसैन। अम्मा जी अज कमाल हो गया, अज नाना जान सजदे चाहे ते मैं नाने दी पुश्त दे उत्ते सवार होया रहा ते मैं चेक करदा रहा भाई मेरे नाना उठते ने उतां या मैनू पकड़ के उन्ना चिर सिर सजदे च ही रखी रखते जितना चिर मैं अपनी मर्जी नाल नहीं उतरदा। अम्मा फातिमा मैं अपनी मर्जी नाल उतरिया, कमो बोश मेरे नाने ने काफ़ी दफ़ा सुभान रब्बियल आला पढ़ीए। जदों मैं उतरिया मेरे नाने ने अल्लाह अकबर करके सिर सजदे चा लिया, बोल सुभान अल्लाह। जनाब सैयदा ज़हरा पाक नू बड़े खुश हो के मेरी अजमत है, ये मेरी इज्जत है, ये मेरी तौकीर है, हुसैन नू अल्लाह दे नबी ने मकाम दिता है, इज्जत नाल नवाजा है। जिन्ना चिर मैं पुश्ते सवार रहा मेरे नाने सिर नहीं चाया। सैयदा ज़हरा पाक नू एक गल ना पसंद आई ना गवार गुजरी। सैयदा कायनात फरमादियां ने बेटा मैनू तेरा यह फेल अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल नू तकलीफ हुई है। पाक हुसैन तड़प गए, अम्मा जान की वजह है, क्यों तकलीफ हुई है, क्यों परेशानी हुई है? सैयदा ज़हरा पाक फरमादी ने हुसैन मेरा बचड़ा तेनू पता है मेरा नाना सुल्तानुल अंबिया है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नाना रब दा हबीब है, मेरा बाबा तेरा नाना नबियां दा सुल्तान है, रब दा हबीब है, मुड़ बुढ़ापे दी हालत च ते तू सजदे दी हालत च मेरे बाबा मुस्तफा सुल्तानुल अंबिया दे उत्ते सवार होए ते तेनू पता है और क्यों नहीं उठे? अम्मा जान तुसी दसो। आपने फरमाया वो सिर्फ इस तो नहीं उठे कि मेरी बेटी का बेटा है तो गिर ना जाए कि दो चोट ना लगे। तो हुसैन मेरा बचड़ा मैंने तेरी ये गल पसंद नहीं आई, मेरे ज़हीफ बाबे नू तुसां मुशक्कत करवाईए, मैनू ये गल पसंद नहीं आई। मेरे आखिरी जुमले मेरे बच्चों अल्लाह तुहाडे बच्चों की उम्र दराज फरमावे। तो सैयदा ज़हरा पाक दी अखां च जदों हंझू निकले ना अथरू निकले तो पाक हुसैन परेशान हो गए। जल्दी ना अपनी अम्मा दे हंझू साफ कीते ते साफ करके अर्ज करदे ने अम्मा फातिमा मैनू माफ़ फरमा दियो, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अपने नाने जान नूं मुशक्कत करावां ते अपनी अम्मा फातिमा नूं तकलीफ देवां। मैं तो इस चाह तों तुहानूं दस्सिआ कि वेखो तुहाडे पुत्तर नूं कितना मकाम नबियां दे सुल्तान ने दिता कि आपने अल्लाह दी बारगाह दा सजदा लंबा कर छड़िआ। अम्मा जी अगर तुहानूं एक गल नहीं पसंद आई नागवार गुजरी है तो मैं तुहाडे नाल वादा करना शरीफ हमेशा उन्ना ही बाहर चाहते ने जितना चवा सकते ने, उन्ना ही चाहते ने, न्यूंदरा उतना ही पाते हैं जितना हटा सकते हैं। हुण सैयदा ज़हरा पाक ने बड़ी तवज्जो फरमाई, मेरे तवज्जो रखिया मेरी जान। मेरे आखिरी जुमले मौसम भी बड़ा खुशगवार बनया खला है, परेशान नहीं होना। जनाबे हुसैन फरमाते अम्मा फातिमा हाथ फड़ के अपनी अम्मा जान दा, अम्मा जान मैं वादा करना मेरे नाने ने मेरी वजह तो 71 वारी तस्बीह पढ़ी है। जदों नाने सिर मस्जिद रखे है पिछे 1.25 लाख सहाबी सन, मेरे नाने ने सिर सजदे रखण तो पहले भी पानी पीता है ते बाद विच भी पानी पीता है ते अपने सहाबा दे नाल जिहड़ा सिर सजदे च रखिआ है। अम्मा फातिमा मैं वादा करना हाँ कि जदों करबला दा मैदान होवेगा ना मेरा कोई अगे होवेगा ना कोई पिछे होवेगा, मेरे पुत्र मेरे वीर मेरी औलाद मेरी आल जा चुकी होवेगी। मैं तन तनहा हुसैन होवांगा, तिन्ना दिनां दा प्यासा होवांगा। मैं जदों सिर सजदे च रखांगा ते मैं क़यामत तक नहीं चाहांगा ते मैं अपने नाने दे दीन नूं इंज करके उच्चा कर जावांगा कि पूरी दुनिया दे अपने बगानियां दे राशन दे वाह हुसैन तेरे तू सदके जावां। इंज दा नाने दा दीन बचाई कि अपने भी मान गए ने बेगाने भी मान गए ने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।